हे गाइज वेलकम टू बैक अनदर न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी हम आए हैं चाय पीने, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत सर में भी दर्द था तो इस वजह से चाय पी रहे हैं, जैसे कि सर में दर्द थोड़ा ख़त्म हो जाए। क्योंकि सफ़र है ना बहुत, 5 दिन हमको सफ़र करना है, 5 दिन पूरा पूरा, मतलब कि मंदिर वगैरह आपको दिखाने एंड आपको घुमाना है, ठीक है, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे मंदिर कैसे कैसे घूमते हैं। तो बाकी अभी 2-3 मंदिर यहाँ से घूमेंगे, देन सीधा जाएंगे कराची। कराची में क्लिफ्टन में मंदिर है महादेव का, उधर में भी नाइट स्टे करेंगे एंड उसके बाद जो आगे के मंदिर है बलूचिस्तान वगैरह में वो भी आपको घुमाएंगे, ठीक है। बाकी आप मतलब कनेक्टेड है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, अगर शेयर करना है तो अभी जल्दी से शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट पे और यहाँ पे मैं अपने चाचू के लिए ले रहा हूँ चाय। कौन चाय? दूध पत्ती चाय, भिंडी वांगन तूरी करेला तैयार है, मच्छी तैयार है, पापलेट तैयार है। उधर चलो, उधर टोकन पे लियो, सारे टोकन पे। अभी आए मार्ट पे, अभी यहाँ पे लेंगे फ्रेंड्स मार्ट, इसका नाम है, इधर लेंगे ले चिप्स, क्योंकि भूख लगी है भाई। भूख लगी है तेरे को? बहुत ज्यादा भूख लगी है एंड कोई मतलब वेज चीज़ यहाँ पे मिल नहीं रही हमको। दाल रोटी है वो अभी नहीं खाएंगे क्योंकि हमको कराची में कुछ खाना है, इस वजह से तो यहाँ से हम लेंगे ले रियली रेट। अभी हमको पैदल जाना है ऊपर 2-3 किलोमीटर इधर से, ठीक है, रात का समय है क्योंकि बस इतना लोड नहीं उठा पाएगी, इसलिए हमको पैदल जाना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। अभी हमें पता नहीं क्या मंगल नाम करके मड़ी है, पूरा मैं आपको नाम बताऊंगा ऊपर जाके। 2-3 किलोमीटर तो हम पैदल भी चले नीचे, क्योंकि ऊपर था ना रास्ता, ठीक है, चढ़ाई थी, एक मतलब सीधा होता तो मस्त चल रहे थे, मगर चढ़ाई में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बाकी अभी हम आए डी गुरु मंगल, नहीं श्री गुरु मंगल आश्रम पे, हाँ आश्रम आश्रम लिखा होता है उस पर, तो ये आश्रम है, ठीक है गाइस। तो हम आश्रम पे आए एंड आपको सारा का सारा आश्रम भी दिखाते हैं एंड आज की नाइट हम यहाँ पे स्टे करेंगे। कल सुबह 5 बजे या 6 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। अभी हो सकता है रात है तो यार थोड़ी बहुत वीडियो भी क्लियर ना है, बाकी आपको आश्रम दिखाते। तो यार अभी तो रात का समय है तो आपको मतलब कि जो आश्रम है वो नहीं दिखा पा रहा, कल सुबह मैं दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा अगर जल्दी ना निकले तो। बाकी इस मतलब के आश्रम में काफ़ी सारे मतलब के धर्मशाला है जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, मतलब रात को जो हिंगलाज का सफ़र करते हैं, दूर दूर का सफ़र करते हैं, वो यहाँ पे रुकते हैं एंड मतलब के इधर नाइट स्टे करते हैं, फिर सुबह वाले टाइम निकल जाते हैं। बाकी इधर मतलब के इस टाइम भी रात का मतलब के 10-11 बज रहे हैं, फिर भी भंडारा चल रहा है। मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 4:30 बजे मतलब के अभी उठे हैं, ठीक है, धर्मशाला में सोए हुए थे उधर। तो यार अभी मेरे को इतना मतलब के सर्दी लग रहा है, शायद बुखार वगैरह आया, पता नहीं क्या सीन है, ठीक है। तो हाँ तुमको सर्दी लग रहा है? मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है, बाकी नहीं लग रहा, नींद आ रही है बहुत। तो मेरे को बहुत सर्दी लग रही है, अभी देखते हैं, नहाते हैं फिर मिलते हैं। फाइनली हम रेडी हो चुके हैं, नहा लिया मस्त तरीके से, ठीक है, एंड फ्रेश हो गए। बाकी अभी हम जाएंगे चाय एंड बिस्किट खाएंगे एंड देन आपको ये सारी सारी मड़ी दिखाएंगे, ठीक है, मतलब जो आश्रम है वो दिखाएंगे। सो गाइस अभी हम आए हैं आश्रम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने सुना है कि बहुत बड़ा मेला लगता है जो कि होता है यहाँ नवंबर में या दिसंबर में, जो मतलब कि 1 महीने बाद लगेगा, बहुत ही बड़ा मेला लगता है, काफ़ी सारे लोग आते हैं। क्योंकि हम तो धर्मशाला देख के हम समझ गए कि बहुत सारी धर्मशाला है एंड आज के दिन भी आज मेला वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ हिंगलाज के यात्री इतने आए गए, मैं देख के परेशान हो गया। बाकी मैं आपको आश्रम दिखाता हूँ। यहाँ पे हैं अपने महाबली हनुमान जी, आप देख सकते हो। गाइस अंकल मिले हैं, इनसे अपन पूछते हैं इस आश्रम के बारे में, ठीक है। सबसे पहले अंकल नमस्ते। नमस्ते सर, आपका नाम क्या है? आसफ दास। अच्छा, तो सर ये मतलब आश्रम इधर क्यों है एंड कब से है? ये तकरीबन 350 साल हुए हैं। ये इसका ये जो मंगल ग्रह नाम है इसका, ये पहले था मंगल, किसी सरदार को मिला था जंगल में, उसने ला के गुरु भवान गिर महाराज को उसी का हवाले किया, भाई ये बे लड़का मिला है हमारे को जंगल में, जो बोली बादशाह कहते हैं बोलते हैं, वो शायद ये हम हिंदी बोली है, वो जानते बोलते हैं, उसी को ला के दिया बाकर शाह जिले, नहीं तो उसी को।
उसी ने ला के दिया गुरु भवानगिर को, गुरु भवानगिर को उसने दिया। दो तीन चार साल, कितने साल पता नहीं, वो तो बहुत साल हो उसके पास रहा। एक दिन अचानक ये निकल गया हरिद्वार, हरिद्वार इंडिया लेके निकल गया। उधर वहाँ गया घूम के फिर के, उधर से उसने दो मटके पानी को उठाया गंगा से, वो इधर से आया इधर। रात को कहीं पहुँचा था तो गुरु भवानगिर महाराज जो बूढ़ा हो गया था बहुत, दरवाज़ा खुड़काया, उससे बोला अभी कौन है? जे मैं मंगल हूँ। फिर उसने बोला ये तुम मंगल हो तो दरवाज़ा खुद ही खुल जाएगा। दरवाज़ा खुल गया, उसने जो पानी लाया था गंगा का उसे बड़े थाल में सी को बैठा के गुरु भवानगिर महाराज को, उसे नहा के फिर उसे लंगोट मंगीर जो होते हैं दरवेशों के, वो लुपुड़ के उसने वो जल पी लिया खुद ने, मंगलगिर ने। उसने बोला नाम तुम्हारा मंगलगिर है, गांव हमारा, नाम तुम्हारा, इस तरह से यही है। आप मतलब अभी इधर रहते हो क्या या यात्रा कर रहे हो कहीं की? नहीं, हम तो ऐसे आते हैं। अच्छा, इधर ही आए? हाँ, हमारे इधर 32 रुकनी कमेटी है। अच्छा, हर रोज़ एक बंदा आता है इधर, रात को शाम को आता है, दूसरे दिन शाम को जाता है। अच्छा, अभी हम बैठे हैं ना, हमको शाम आरती करके शाम 7:30 बजे निकल जाएंगे। बैठ जाए उसको कोई हर्ज है नहीं। हर महीने मना एक बंदा बैठता है हमारे इधर। लोग जैसे आज आपने देखिए, हर रोज ऐसे लोग होते हैं, रोज आते हैं? नहीं, ऐसे लोग इतने अभी आए हैं ना, तो हम थाना बुला के लोग आते हैं। हर सावा सुमर लगता है इधर, उससे भी आते हैं 2-3 हज़ार बंदे, 1500-2000 वो आते हैं। 12 महीने में एक मतलब मेला लगता है गुरु का, उसी में 5-6-7 हज़ार लोग, 8 हज़ार लोग आते हैं। अभी मतलब इंगलाज की जो यात्रा कर रहे हैं वो लोग इधर आते हैं? वो इधर आते हैं। अभी हम कौन सी सिटी में इधर, ये कौन सा? अभी थाना बुलाखान है, डिस्ट्रिक्ट जामछोरा। जामछोरे में की रात जो है अभी मॉल पे होगी। हाँ, अभी यहाँ से निकलेंगे और जो है थाना अहमद खान, थाना बुलाखान की जो है सारी पॉइंटें हैं जो इनको जो रिकवर करेंगे, इसके बाद जो है ना सीधा जाएंगे मॉल माता पे। मॉल माता पे वहाँ पे जो है ना स्टे करेंगे रात को। सो गाइज, मैंने सुना है मॉल माता का बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा मंदिर है, ठीक है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। आपने देखा है पहले कभी? गए हो? जी जी, मैं हर बार जाता हूँ, हर बार भी गाड़ी निकालता हूँ और इस बार भी जो है ना दर्शन भी देते हैं। अभी हम आए हैं गुरुद्वारा, यहाँ पे थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है और अभी हम आपको दिखाते हैं अंदर से मंदिर। गाइज, ये गुरुद्वारा, ठीक है, इधर काम चल रहा है, थोड़ा बहुत शायद मरम्मत चल रही है, आप देख पा रहे हो, तो आपको अंदर से दिखाते हैं। यहाँ पे मतलब अभी तक मरम्मत चल रही है, तो इधर हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, कमेंट में आप बताना क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे को पढ़ने नहीं आती हिंदी अभी तक। तो यहाँ पे जो गुरु नानक साहब की मूर्ति है वो इधर है, क्योंकि अभी उधर काम चल रहा है इस वजह से, तो इधर रखी गई है। बाकी एक पेंटिंग बनी हुई है जो कि मैं आपको बताता हूँ, हिंदी में उधर भी कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। मैं आपको हिंदी में ये सब चीज़ें दिखाता हूँ। गाइज, अभी हम आए हैं मंदिर पे, शेरावाली माँ का मंदिर है, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग सा मंदिर है, तो आपको दिखाते हैं, तो बहुत ही बड़ा मंदिर है। यहाँ पे एक काना जी, नन्हे मुन्ने से बाल काना जी,
तो गाइज़ ये मंदिर बहुत ही बढ़िया था अंदर, मतलब कि शेरावाली माँ की, काली माता की एंड दुर्गा माता की बहुत ही बड़ी मूर्ति थी, मगर इन्होंने मतलब के अलो नहीं किया इधर हमको, मतलब के उधर शूट करने के लिए, सो वो तो हम नहीं कर पाए। बाकी गाइज़ अभी हम इस व्लॉग को इधर ही एंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर मतलब ज़्यादा हम शूट करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आगे की चीज़ें आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। अगर अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। मैं पिछली वीडियो से भी बताता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब कि हिंगलाज माता का दर्शन होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें।